ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਯੈਸਟਰਡੇ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ उस टाइम पे एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मतलब स्ट्रेस था पर हमारी यूनिवर्सिटी वेस्टर्न साइड पे है जिसका बॉर्डर रोमानिया के साथ लगता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था पर इस टाइम पे क्रिटिकल है सिचुएशन पर मतलब पैनिक करने वाली कोई ऐसा बात नहीं है इवैक्यूएशन शुरू हो गई है आज या कल में बच्चे वापस आने शुरू हो जाएंगे मैं 2020 में गई थी दिसंबर में अब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है तो किस चीज़ की वहाँ पर आप स्टडी के लिए गए थे MBBS मेरी यूनिवर्सिटी में तो खन्ना से अभी स्टिल कोई है नहीं पर आसपास होंगे काफ़ी टीचर्स ने पहले टीचर्स को ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मतलब इस चीज़ की कि बच्चों को वापस भेजना है देवर लाइक कि ये सब शांत हो जाएगा ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी फिर से थोड़े दिन के लिए बीच में से शुरू भी हो गई थी और पर अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन ही चलेगी अब तो टीचर्स खुद ही बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन चलेगी जब तक ये वॉर सिचुएशन ख़त्म नहीं होती वो टेंस्ड हैं अभी भी मैम यही बोल रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ी ट्रबल में हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लासेस मिस करेंगे क्लासेस तो हमें कंटिन्यू करनी है लफज़ तो हो सकता घट पै जान लेकिन पिछले 10 दिनों तो जिनी दिमाग ते टेंशन सी जो रशिया वालों यूक्रेन दे विच कीता जा रहा है जो उत्थे दे हालात ने इस समय रोज़ जब न्यूज़ देखते सी सुनते सी दिमाग ते टेंशन होंदी सी बर्डन बहुत ज़्यादा सी टिकट बुकिंग दे विच बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई दिक्कतों का सामना होया क्योंकि जब असी टिकट बुक करन चलते हैं ऑनलाइन बुकिंग होंदी है तो 28-30 हज़ार तो चलती है 70 हज़ार तो जाके एंड होंदी है तो टिकट बुक नहीं होंदी लेकिन बाय चांस बाय लक मेरी टिकट जिहड़ी बुक हुई बेटी दी और बहुत वधिया समय ते वो अपने घर पहुँच गई अपने हिंदुस्तान वापस आई है बहुत खुशी होंदी है टेंशन तो इन्नी ज़्यादा सी कि असी मतलब हर टाइम न्यूज़ ही देखते रहे और रात को नींद भी नहीं सी आती क्योंकि टाइम बे टाइम बेटी वालों कॉल आनी और वो जब उन्हें गल्लां दसनिया तो टेंशन तो हो ही जाती है पैनिक हो जाता कद कद बंदा इंडियन गवर्नमेंट वालों जो हो रहा है जो इनिशिएटिव लए गए ने वो बहुत वधिया ने क्योंकि पिछले 2 दिनों के विच काफ़ी फ्लाइट्स इंडिया वालों चार्टर्ड भेजिया गई ने और बहुत सारे बच्चे उन्होंने वापस आ रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने हुण भी बच्चों बहुत वधिया फैसिलिटीज़ उत्थे दित्ती है पूरी सेफ्टी है उन्होंने किसी किस्म का कोई डर नहीं है लेकिन जो हुण पता लग रहा कि अज 2 फ्लाइट्स होर गई हैं और 2 सुबह जा रही हैं तो काफ़ी बच्चे वापस आ जाएंगे